हेलो क्लास फोर्थ टुडे इन इंग्लिश ग्रामर आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर थ्री दैट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस सो चिल्ड्रन व्हाट इज प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है हम लोग पढ़े थे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन की प्लेस में यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं ओके यहाँ पे हम इसके काइंड्स देखेंगे ओके देर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस प्रोनाउन के कितने टाइप्स है थ्री टाइप्स है फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वट इज पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन क्या है जो वर्ड अपने लिए यूज होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल आई माई मी वी अवर यू योर ओके द पर्सन स्पीकिंग मतलब जो पर्सन बात कर रहे हैं खुद ओके okay? अपने लिए जो वे यूज करते हैं आई माई मी वी ये सब क्या कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन ओके फॉर एग्जाम्पल शी इज माई सिस्टर वो मेरी बहन है ओके माई सिस्टर ही गेव मी उसने मुझे बुक दिया किसे मुझे वी फिनिश्ड अ होमवर्क हमने अपना होमवर्क पूरा किया ओके okay? वी हम और हमारा ओके ये क्या वर्ड ये सारे वर्ड किसके लिए यूज हो रहे हैं अपने खुद के लिए तो ये क्या कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ओके नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक, ओके संकेतवाचक सर्वनाम किसी चीज को हम संकेत करते हैं किसी चीज को हम पॉइंट करके कोई चीज दिखा रहे हैं और दैट या दिस बोल रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है जैसे दिस दैट दिस एटसेट्रा ओके दैट इज अ डॉल वो एक डॉल है दिस इज अ बुक ये एक बुक है दीस आर रोजेस ये क्या है रोजेस है ओके okay? यहाँ क्या वर्ड आ रहे है दैट दिस दिस ओके दिस और दिस में क्या क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स देखिए कोई सिंगल चीज होगा अगर सिंगुलर में दिस लगता है अगर बहुत सारे हैं कोई चीज प्लूरल में है वहाँ दीस लगता है ओके तो जो चीज को हम किसी चीज को पॉइंट करके दूर की चीजें दिखा रहे हैं और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है क्वेश्चन पूछना ओके जो क्वेश्चन वर्ड लगते हैं वो सारे क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ओके जैसे who, what, whose, which, etc. Who are you? तुम कौन हो Whose is this book? ये किसका बुक है What do you want? तुम क्या चाहते हो Which is the best shop? Best shop कौन सा है Whom did you see there? तुमने वहां किसे देखा ओके okay? ये सारे क्या है क्वेश्चन वर्ड्स है ये क्या होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं

हम किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं उसके लिए हम यू वर्ड यूज करते हैं ओके थर्ड पर्सन क्या है ही ही मतलब कोई दूर में है या वहां हमारे पास मौजूद नहीं है उनके लिए हम ही यूज करते हैं दैट इज थर्ड पर्सन ओके देन पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री काइंड्स पर्सनल प्रोनाउन के थ्री काइंड्स है थ्री टाइप्स के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन एंड प्रोनाउंस ऑफ दी थर्ड पर्सन ओके फर्स्ट पर्सन में क्या होता है सिंगुलर में किसके लिए यूज करते हैं आई माई मी माइन माइ सेल्फ सिंगुलर मतलब कोई एक पर्सन हो तब ओके okay? प्लूरल में वी अवर अस अवर्स अवर सेल्फ ओके फर्स्ट पर्सन सिर्फ अपने लिए यूज होता है अगर हम अकेले हैं सिंगुलर वर्ड्स लगेंगे आई माई मी माइन माइ सेल्फ प्लूरल है मतलब बहुत लोग हैं मेरे साथ हमारे साथ तो हम वी हम हमारा अस और सेल्फ ऐसे यूज करते हैं देन प्रोनाउंस ऑफ दी सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन किसके लिए जो हम किसी से बात कर रहे हैं वहीं पे ओके okay? आई क्या है फर्स्ट पर्सन यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर अकेले रहेंगे तो यू यूर यूर्स योर सेल्फ प्लुरल वे लोग बहुत सारे हैं हमारे पास तो यू यूर यूर्स योअर सेल्फ ओके ये क्या है सेकेंड पर्सन देन प्रोनाउंस ऑफ दर्ड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं सिंगुलर में है अगर तो हिस्स इट इट्स इट सेल्फ और प्लुरल के लिए अगर बहुत से लोग हैं देर देम देन सेल्फ सेकेंड पर्सन हम हमारे जो पास खड़े हैं उनके लिए यूज करते हैं अगर हम उनसे बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन जो हमारे पास नहीं है अभी दूर है या मौजूद नहीं है उनके लिए हम थर्ड पर्सन वाले वर्ड्स यूज करते हैं सिंगुलर हैं कहीं एक लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो ही हिज हिम ये सारे वर्ड्स यूज होंगे बहुत लोग के बारे में बात कर रहे हैं दे देयर देम देस ओके ये क्या है थर्ड पर्सन देन एक्सरसाइज चूज द करेक्ट वर्ड फॉर इच ब्लैंक डैश एम रिशू कभी भी एम आता है तो सिर्फ आई के लिए ही यूज होता है ओके सो आई एम रिशु डैश इज मोना मोना क्या है लड़की है ओके okay? दे नहीं कह सकते लड़की के लिए क्या वर्ड यूज होता है शी शी इज मोना शी इज डैश सिस्टर शी इज माई सिस्टर दिस इज डैश हाउस दिस इज अवर हाउस ये हमारा घर है ये बोलेंगे ना वी हम होता है हम घर तो नहीं कह सकते इसलिए दिस इज अव हाउस नेक्स्ट डैश इज अ बिग हाउस इट इज अ बिग हाउस इट क्यों कर रहे हैं वर्ड यूज क्योंकि कोई चीज के लिए बात करते हैं तो इट ओके ही और इट ऑप्शन दिया है ही किसी एस्कुले जेंडर मतलब कि पुरुष लिंग या कोई लड़के के लिए हम यूज करते हैं ओके okay? थिंग्स के लिए इट इट इज अ बिग हाउस नेक्स्ट डैश लिव हेयर विथ अवर पेरेंट्स वी लिव हेयर विथ अवर पेरेंट्स हम यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं नेक्स्ट डैश आर वेरी गुड पेरेंट्स दे आर वेरी गुड पेरेंट्स वो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं ओके वी रेस्पेक्ट देम एंड दे लव अस ओके दे नहीं लिख सकते क्योंकि दे मतलब वे होते हैं ओके वी रेस्पेक्ट देम एंड दे लव यहां पे दे आएगा क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं ओके